चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां आय से अधिक संपत्ति केस में ओम प्रकाश चौटाला के बचाव में आए अजय और दिग्विजय चौटाला। दिया बड़ा बयान, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आय से अधिक संपत्ति केस में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके बेटे अजय चौटाला और पोते दिग्विजय चौटाला उनके बचाव में आए हैं। इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इनेलो से अलग होकर जजपा बनाने के बाद अजय चौटाला का परिवार अभय के परिवार से दूर ही रहता है। अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जाने पर जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इसको लेकर वे स्वयं व प्रदेश का जन जन दुखी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश के तहत कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं, लेकिन उन्हें खुद उम्मीद है कि न्यायपालिका से जरूर न्याय मिलेगा। दिग्विजय ने कहा कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आइडियल के तौर पर पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के बार बार ऐसा होना बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं और इन केसों की बुनियाद साजिश के तहत कांग्रेस के शासन में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन कर्मों की सजा आज जनता हुड्डा को दे रही है। भूपेंद्र हुड्डा से इसका बदला जनता ने पहले भी लिया है और आगे भी जनता के रूप में भगवान उनसे बदला लेंगे। वही जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार दिए जाने के सवाल पर कहा कि इस मामले में वे ज्यादातर सजा वह पहले ही काट चुके हैं। कोर्ट का 26 को पूर्ण रूप से फैसला आएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सारा फर्जीवाड़ा कांग्रेस द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला, करण सिंह दलाल, जगदीश नेहरा सहित अन्य लोगों ने चार्जशीट बनाई थी और यह फर्जीवाड़ा कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नहीं, चिता सजाने की तैयारी करनी चाहिए। बने रहिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।